नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे पास एक प्रिंटर आया है, एचपी इंक टैंक 315 का। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो मॉडल है इंक टैंक 315। और इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें जब आप प्रिंट कर रहे हैं, फोटो कॉपी कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, तब ये ब्लैंक पेज आ रहा है, और कलर में इसका जो प्रिंट आउट है वो थोड़ा बहुत आ रहा है। तो पहले हम दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, वो भी आगे जाके वीडियो में दिखाते हैं। तो बने रहिए वीडियो को के साथ और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर है तो आप खुद इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर में। तो पहले हम एक जो कलर, यहाँ पर देखिए मैंने जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी रखे हैं इधर। तो अब पहले इसका जो कलर है, कलर एक फ़ोटो कॉपी करके देख लेते हैं कि इसमें कैसा प्रिंट आता है। तो अभी हम प्रिंट चला दिए, अभी प्रिंट होगा। तो थोड़ा बहुत आउट करके देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का प्रिंट आ रहा है। तो प्रिंटर में मेरा प्रिंट करना चालू कर दिया, तो उसके बाद देखते हैं आगे जाके। इसमें कलर में तो हम कर दिए हैं, देखते हैं इसमें कैसा आ रहा है, और ब्लैक एंड वाइट में भी देखेंगे। तो देखिए ये हमारा जो प्रिंट है, प्रिंट ये निकल रहा है, देख सकते हैं धीरे धीरे करके। आ रहा है प्रिंट, देखिए हमने जब कलर में प्रिंट किए थे, और इसका जो ओरिजिनल का जो क्वालिटी है वो भी हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल है और ये कलर में निकले हैं। तो अभी हम इसको दोबारा रखते हैं और देखते हैं इसका जो ब्लैक एंड वाइट में कैसा प्रिंट आ रहा है। तो अभी हम ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी करेंगे इधर से, ब्लैक एंड वाइट कर दिया। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट में ये टोटली वाइट पेज आ रहा है, जो कि इसमें थोड़ा बहुत आ रहा था। तो देखिए ये ब्लैक एंड वाइट में, और ये जब हम कलर में किए थे, और इसका जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को भी हम दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वहीं आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो प्रिंटर को फिलहाल हम बंद कर देंगे, बंद करके इसका जो हेड है, पहले ब्लैक एंड वाइट जो हेड है इसका कार्टिज हेड, इसको हम पहले बाहर निकालेंगे। बाहर खोल दिया, अभी इसको हम निकाल के दिखाते हैं इसके अंदर कैसा कंडीशन है। तो देखिए इसका जो ये हेड है, ये टोटली सूख चुका है, जिसकी वजह से ये प्रिंट नहीं आ रहा है। तो क्या लोग क्या करते हैं, जब आप दुकान में रिपेयर करने जाते हैं प्रिंटर को, तो ये हेड को ही बदल देते हैं। तो कि आपको पहले हेड को चेक करके देख लेना है कि अगर हेड सही रहेगा तो आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक प्लेट लेना होगा, इस चाय का प्लेट, और इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपको दिखाएंगे इसका सॉल्यूशन करके भी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे, और अभी क्या करेंगे, अभी इसका जो हेड है, हेड का जो प्रिंटिंग पोर्शन है ये नीचे तरफ, इसको हम इधर ऐसे रख देंगे। ये इसको आपको ऐसे 10 मिनट तक रखना है, 10 मिनट के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करके आगे जाके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा लगभग 10 मिनट हो चुका है, और इसका जो हेड का जो इंक था, ये देखिए अभी ये पिघल के साइड से ये निकल के आ गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाते हैं। तो देखिए इस टाइप का ये हो चुका है, देखिए, और इसके अंदर का जो ये सूख गया था ये देखिए, और इसके अंदर से आपको दिखाते हैं, देखिए ये थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो गया है, मतलब ये पिघल गया है पानी से। तो हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे पहले, तो देखिए इसके अंदर जो था वो क्लीन हो चुका है, और ये देखिए डस्ट आ चुका है बहुत। तो हम ऐसे ऐसे और 2-4 बार करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं।
तो देखिए मैंने क्लीन कर दिया, अभी इसके अंदर से जो इंक था इंक आना चालू हो गया है शायद मेरे हिसाब से। तो हम देखिए इसके अंदर, देखिए ये इसके अंदर से ये सारे निकले हैं। तो अभी इसको हम साइड में करते हैं और एक सफ़ेद पेपर के ऊपर हम दिखाते हैं कि इसके अंदर से अभी इंक आ रहा है कि नहीं। तो देखिए शायद इंक आना चालू हो गया है मेरे हिसाब से, देखिए। और अगर फिर भी एक क्लीन नहीं होता है तो एक आपको टूल मिलता है, ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो इस टूल की मदद से आप और भी हम थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सेफ है इसको देख लेते हैं और यही लगेगा शायद, और ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो हम इसको लगाएंगे और दिखाते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, उसके बाद ऐसे हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए मैंने लगा दिया, अभी सिरिंज से इधर से खींचेंगे ताकि जो भी डस्ट रहेगा वो आ जाएगा। देखिए ये इंक आना चालू हो गया है, देखिए देखिए इसके अंदर से क्या निकल रहा है ये। तो देखिए इधर और भी एक बार करेंगे ऐसा, सॉरी फॉर दैट, इसको हम साफ कर लेंगे पहले और एक बार करेंगे। देखिए फिर से इसको बाहर निकालेंगे, फिर से देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं पेपर इंक। इसमें बहुत गंदगी हो चुका है अंदर से, तो ऐसे ऐसे करके इसको हम थोड़ा सा और भी साफ कर लेते हैं। देखिए ये अंदर से निकल रहा है, साबुन के जैसा निकल रहा है अंदर से। तो और दो चार बार करेंगे उसके बाद लगा के देखते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं। देखिए अभी भी निकल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इस जो हेड है, हेड में जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इसको हम बाहर फेंक दिए हैं जो गंदगी था, फिर से इसके ऊपर पानी डालेंगे। फिर से इसका जो हेड था हेड को साफ करेंगे ऐसा ऐसा करके। अभी देखते हैं कैसा कंडीशन है। दूसरा एक पेज लेते हैं, देखिए ये आ रहा है अभी पेपर इंक, देख सकते हैं। देखिए ये अभी आ रहा है। तो अभी हम ऐसे ही इसको और एक बार ट्राई करेंगे, अगर कंप्लीट नहीं होता है क्लीनिंग तो और एक बार इसको साफ करके देखेंगे बाद में। तो पहले इसको हम लगा लेते हैं एक बार, अच्छे से साफ़ कर लेना है क्योंकि नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान देना है, इस जगह को आपको अच्छे से साफ़ करना है।
ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं, इसको भी साइड कर देते हैं, इसको भी। अभी इसका जो हेड है इसको लगाएंगे और देखते हैं लगाने के बाद प्रिंट करके कैसा इसका आ रहा है क्वालिटी। तो हेड को मैंने लगा दिए हैं, अभी प्रिंटर को ऑन करेंगे और दिखाएंगे कि इसमें कैसा कॉपी निकल रहा है। तो देखिए डॉक्यूमेंट मैंने रख दिए इधर, अभी पेज लगा हुआ है, अभी प्रिंटर को ऑन करते हैं। प्रिंटर को देखिए ऑन कर दिया, अभी प्रिंटर रेडी हो रहा है, तो थोड़ा स्वाइट करेंगे। तो अभी प्रिंटर रेडी हो रहा है, तो थोड़ा देर वेट करके देखते हैं कैसा प्रिंट आ रहा है। अभी पहले इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी करके एक देखते हैं, अभी देखते हैं कैसा प्रिंट निकल रहा है इसका। पेपर ले लिया अंदर, अभी ये जेरॉक्स होके निकलेगा। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, देख सकते हैं ये पेज निकल रहा है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जो अभी प्रिंट होकर निकला है, और इसका ओरिजिनल को भी दिखा देते हैं। ओरिजिनल से भी या इसका अच्छा आ चुका है, देखिए ये ओरिजिनल है, ये इसको मैंने फ़ोटो कॉपी किए थे। और एक तो दिखाते हैं, देखिए ये जो मैंने किए हैं अभी, और इसको फिर से रखते हैं इधर, फिर से इसको एक ब्लैक एंड व्हाइट ही फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं, क्योंकि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कार्टेज जो था उसको मैंने क्लीन किया। अभी और एक तो देखते हैं करके, ये पेज इसका दूसरा था, तो अभी फिर से भी जो है वो भी क्लियर दिख रहा है। अभी एक हम और एक सफ़ेद पेज लेते हैं, इसको करके देखते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए सफ़ेद पेज को मैंने लगा दिया, अभी इस पे देखते हैं। देखिए अभी प्रिंट होकर निकल रहा है, देख सकते हैं गाइस इसका प्रिंट क्वालिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हो चुका है, और ये इसका ओरिजिनल है। तो वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देखें। थैंक यू।